अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब तक आपने देखा, समर को पता चलता है कि ध्रुव और जया एक हफ्ते में ही शादी कर रहे हैं। रमा ये सुन लेती है। रमा समर से जया को वापस लाने को कहती है। एक हफ्ते के अंदर अगर तू जया को घर वापस नहीं ला पाया समर, तो मुझे कभी माँ मत कहना। समर जया से मिलता है। अब आके जया शादी के लिए मना कर दो प्लीज, हम सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं जया, अलग नहीं हो सकते अब। ये तुम बोल रहे हो समर, ये सब बोलने से पहले तुमने चनाया के बारे में एक बार भी सोचा? धोखा दे रहे हो तुम उसे, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो सर? वेट वेट वेट, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं और चनाया शादी का नाटक कर रहे हैं। नाटक? और क्यों किया तुमने ये नाटक? मुझे जलाने के लिए? नहीं, तुम्हें पाने के लिए। जया, मैं तुम्हें किसी भी कीमत में कुछ से दूर नहीं होने दे सकता था। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो सही लगा मैं करता गया। वो कसम भी तुमने मुझे पाने के लिए दिलाई थी समर। जो तुम्हें सही लगा तुम करते चले गए। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मेरे लिए क्या सही था समर? समर, तुम्हारा हर सही मेरे लिए गलत प्रूव हुआ है। सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया। यू फिनिश्ड एवरीथिंग। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जया, पर अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। चलो ना, सब फिर से शुरू करते हैं। प्लीज शादी के लिए ना कर दो, प्लीज ये शादी तोड़ दो। नहीं सब, तुमने मुझे कसम दिलवाई थी ना, मम्मा की कसम खाई है मैंने, मम्मा की कसम नहीं तोड़ सकती मैं। और उससे भी ज्यादा बढ़कर ध्रुव का दिल नहीं तोड़ सकती मैं। भरोसा करता है मुझ पर, प्यार करता है मुझसे। और फ्रैंकली एक बात बोलूं समर, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जस्ट लीव, तुम प्लीज जाओ यहां से, जस्ट गो। हम हार गए समर, हम दोनों अपना अपना प्यार हार गए। सुना, तुम्हें पता है प्यार की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? प्यार ना कभी कभी हारने नहीं देता, क्योंकि प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। और दिल जानता है कि उसका प्यार कभी नहीं हारेगा। सब कुछ हमारे अगेंस्ट है ना, तो दिल बस कंफ्यूज हो रहा। कंफ्यूज मत हो शनाया, ना तो मैं अपना प्यार हारूंगा और ना ही तुम्हें तुम्हारा प्यार हारने दूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब क्या करते हैं? उंगली टेढ़ी करते हैं। पर शनाया, अब उंगली टेढ़ी करने का टाइम जा चुका है, अब पूरा डब्बा ही पलट देते हैं। अब तुम्हारे बलिदान का वक्त आ गया शनाया। मतलब? सब समझ में आ जाएगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। सत्या जी, आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। ध्यान से। सत्या जी, ये शगुन की मेहंदी है, मेरी बहू यही मेहंदी लगाएगी। जी जरूर। अरे पर वो है कहाँ? अरे शिखा पुत्र, ऋचा पुत्र, जाओ अपनी यंगर सिस्टर को लेके आओ। जाओ बेटा, जया को ले आओ। अरे निम्मी जी, ध्रुव बेटा आइए ना, बैठिए जी, आ जाओ।
है पुत्र, आज तुम ध्रुव के नाम की मेहंदी लगाओगी और इस मेहंदी का रंग जितना पक्का होगा तुम्हारा और ध्रुव का रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। दरवाजा खुला हुआ है। हाँ। इंस्पेक्टर, यही है वो, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। नहीं नहीं, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं साढ़ू भाई, नहीं नहीं जया, नहीं ध्रुव। अच्छा आप बोल सकते। ये क्या नाटक हो रहा है? आपको नाटक लग रहा है ये? मेरी जान पे बनाई है। इंस्पेक्टर, इन्होंने मेरी होने वाली बीवी शनाया को किडनैप किया है। क्या बोल रहे हो? हाँ, कल रात से ढूंढ रहा हूं उसे, नहीं मिल रही है वो। शनाया कहीं नहीं मिली, मतलब तुमने उसका फोन ट्राई किया था? ऑब्वियसली फोन तो ट्राई किया होगा ना यार, कैसी बातें करता है। कहाँ जा सकती हूँ समर, लास्ट टाइम तुम्हारी बात उससे कब हुई थी? देखा मेरे मतलब क्या, क्या मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हारे पीछे जो खड़ी है उनसे पूछो, उनके पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। उनसे पूछो कहाँ है शनाया, उन्होंने किडनैप किया, बताओ कहाँ है शनाया, कहाँ छुपा के रखा मेरी शनाया को? समर, तुम ऐसे मामा पे इल्जाम नहीं लगा सकते, उनका कोई हाथ नहीं है इसमें। हाथ पैर पूरी बॉडी है, ये तो वक्त ही बताएगा जया। देखो समर, तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत कहां से आएगा? मेरे भाई, मेरी बीवी मुझे लौटा दे, मेरी बीवी मुझे लौटा दे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है इन्होंने ये सब किया है मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मानो तो इनके घर की तलाशी लो और आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा आपको। और अगर सबूत नहीं मिला तो? तो क्या आपने सबूत गायब करवा दिया होगा? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर की तलाशी लीजिए, देख लीजिए, अगर सबूत नहीं मिला ना मेरे घर पर, तो मैं इसके ऊपर उल्टा केस ठोकूंगी और आपको गवाह बनना पड़ेगा। जी मैम, आप अपना कमरा दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, ये ना, मैं बताता ना, आगे से राइट आओ। बेटा, आप सब लोग चिंता मत करो, समर का ये खेल ना समर पर ही उल्टा होगा। माँ मैं भी आती हूँ। बेटा अच्छा, टेंशन मत ले बच्चा। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है कमरा,
अच्छे से तलाशी लीजिए, ढूंढो, सबूत मिलना चाहिए, कोई कोना छोटा नहीं चाहिए। उधर देखो, उधर भी देखो, आगे। इंस्पेक्टर साहब। मैडम आप यही रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए। उधर देखो जरा। समर, तुम्हें अच्छे से पता है कि मम्मा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सासू माँ कुछ भी कर सकती है। सर ये फोन मिला है, इसमें खून का निशान भी है। ये डोंट टच प्लीज, ये तो ये शनाया का फोन है, तो ये खून भी शनाया का ही होगा फिर। इसका मतलब ये मेरा शक सही निकला सासू माँ, आपने शनाया के साथ ऐसा क्यों किया सासू माँ? अगर बदला लेना था तो मुझसे लेती ना, शनाया ने क्या बिगाड़ा था आपका? समर शनाया, इंस्पेक्टर साहब शनाया। कंट्रोल प्लीज। ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं पता ये फोन कहाँ से आया, मुझे नहीं पता कि शनाया कहाँ है। इन्हें पता है इंस्पेक्टर साहब, इन्हें सब पता है। सॉरी जय, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जाइए सासू माँ, 7 दिन तो क्या, 7 जन्म तक आप चाहे की शादी किसी दूसरे से नहीं करा सकती। आंटी जी, इंस्पेक्टर साहब, आंटी जी ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, छोटे केस में फंसा है उसने मुझे। पर तुम लोग चिंता मत, ये सब अपने आप ही संभाल लूंगी। माँ, इन सब की वजह से जया की मेहंदी नहीं रुकनी चाहिए। चिंता मत करना। इंस्पेक्टर साहब है ना, तुमने ये सब जानबूझ के फंसाया ना मम्मा को, क्यों समर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों? हाँ, तुम्हें नहीं पता? वही सेम रीजन, तुम्हें पाने के लिए सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो पूरा डब्बा ही पलट दिया। शनाया की झूठी किडनैपिंग का नाटक किया, सासू माँ को झूठे केस में फंसाना पड़ा। चाहे आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी तो नहीं होने दूंगा। प्यार करता हूं तुमसे, ऐसे कैसे तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देख लूंगा? हाँ? Leave me. Now decision is yours. तुम्हें अपने हाथों पे मेहंदी लगवानी है या अपनी मां को बचाना है? वो
इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि मूव ऑन करेंगे, तो ये सब क्या है? तो गलती तेरी है ना, तू जब से आया है गलती पे गलती किए जा रहा है। तूने सड़क पे चलते हुए मेरी बीवी को देखा और लव एट फर्स्ट साइट चिल्लाना शुरू कर दिया, यहां तक कि इनके घर भी पहुंच गया, और अब उसके साथ शादी के सपने देख रहा है। देख कितनी गलतियां कर रहा है तू। तुझे क्या लगा तू परदेश से आएगा, दो चार अच्छी अच्छी बातें करेगा और मेरी बीवी से शादी कर लेगा, और मैं ये होने दूंगा? गुस्सा क्यों हो रहा है? बल्कि तुझे तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुझे उस बर्दों की दुश्मन सत्या देवी से बचा लिया। अगर तेरी शादी होती ना जया से जैसे मेरी हुई थी, वैसे तेरी जिंदगी भी नर्क हो जाती। जैसे वो तो मैं हूं इसलिए टिका हुआ हूं, तू होता ना तो इंडिया छोड़ के कब का अमेरिका चला गया होता। ये हम सबको तकलीफ पहुंचाने के लिए। ये दोस्त बनकर दोस्त के पीठ में छुरा घोंपने के लिए। और ये जया को दुख पहुंचाने के लिए।